गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास एट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट नंबर का पॉलिटिकल साइंस के भीतर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान वाले लेसन के भीतर ही आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर चुके थे। अब जो सबसे अंतिम पॉइंट्स हैं, जिनको कि टॉपिक दिया गया है कि थिंग्स टू रिमेम्बर, यानी कि इस लेसन में आई हुई जो मेन बातें हैं उनको याद रखनी है आप लोगों को। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि जितने भी आप लोगों की नोटबुक के भीतर ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं थिंग्स टू रिमेम्बर, आप लोगों को हर लेसन के भीतर अपनी नोटबुक के भीतर नोट डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे लेसन का जो सार है, संक्षिप्त सार है, वो पूरा का पूरा इन पॉइंट्स के भीतर दे दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को अपनी नोटबुक के भीतर ये पॉइंट जरूर उतारने हैं, नोट डाउन करने हैं, ध्यान रखना है सभी को। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, इसके तुरंत बाद जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और इन व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर जितने भी क्वेश्चन आपको सेंड किए गए, आप अपनी पूरी बुक्स के भीतर से जो लेसन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें से इसके आंसर सर्च करिएगा। आप लोगों को यदि इनके आंसर मिल जाते हैं तो आप अपने नोटबुक के भीतर इन्हें कर लें होमवर्क के रूप में, और यदि नहीं मिलते हैं तो आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं लाइव क्लास के भीतर, या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी इन क्वेश्चनों के आंसर हम लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये जो भी विशेष जानकारी थी अभी आप लोगों को इस वीडियो के भीतर दी गई, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इस लेसन के भीतर जो मेन बातें आई थी उनके बारे में एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। तो देखें क्या बातें कही गई थी, क्या चीज़ें इनके अंदर बताई गई थी। तो देखें, सबसे पहले नाम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो देखें, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल टेनेट्स टू विच ए नेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। देखिए, यहाँ ये बात कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाया गया है, संविधान शब्द का मतलब समझाया गया है कि संविधान का मतलब क्या रहता है, कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजिकल टेनेट्स, यानी कि संविधान का मतलब रहता है कि एक सिद्धांतों और वैचारिक सिद्धांतों की एक ऐसी संस्था या एक ऐसा प्रारूप आगे टू विच, जिसके माध्यम से ए नेशन एक देश को, और या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन को आगे इस गवर्न संचालित किया जाता है, शासित किया जाता है। तो यहाँ ये बात बताइए कि संविधान का मतलब उन सिद्धांतों और वैचारिक सिद्धांतों के प्रारूप से है जो किसी एक देश को या एक संस्थान को, संगठन को संचालित करने का कार्य के लिए या संचालित करने के लिए प्रशस्त करते हैं या संचालित करने का तरीका बताते हैं। यानी कि किसी भी देश को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो उन सिद्धांतों का लिखित या वर्णित या कथित रूप ही संविधान कहलाता है। अब हम जानते हैं कि हमारा इतना बड़ा देश है, 1,21,00,000,000 की आबादी है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए, इतने बड़े देश की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से संभालने के लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश का संविधान नहीं है तो समझ लीजिए कि वो देश एक ऐसे शरीर के समान है कि जिसका सिर नहीं है, बस धड़ ही धड़ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन संविधानों के भीतर उन सभी सिद्धांतों का वर्णन आप लोगों को देखने को मिलता है जिसके माध्यम से एक देश का कुशल संचालन या एक देश का कुशल प्रशासन संचालित करने में मदद मिलती है। अगली बात कही गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द सिटीजन राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बता दिया कि ये विचारों और सिद्धांतों का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा एक देश का या एक संगठन का संचालन किया जाता है, प्रशासनिक कार्य संभाला जाता है। तो ये तो संविधान कहलाता है, संविधान की परिभाषा हुई। लेकिन अब हम लोग इस पूरे नेक्स्ट नंबर के टॉपिक में हम बता रहे हैं कि संविधान का काम क्या होता है, संविधान किस कार्य को करता है, ये चीज़ हम समझते हैं। देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द सिटीजन राइट।
संविधान जो रहता है उसका पहला काम यही है कि जो नागरिक रहते हैं, जो उस देश के भीतर निवास करने वाले लोग हैं, उनके जो नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको उनकी वह रक्षा करता है उनको। और यदि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा यदि उन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्था, उस व्यक्ति या उस संस्थान को दंडित करने का कार्य भी या अधिकार भी संविधान प्रदान करता है। लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान सिर्फ देश के नागरिकों के प्रति ही लागू नहीं होता, देश के भीतर जो नागरिकों के हित के लिए तैयार की गई सरकार है उसके भी, उसको भी प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। यानी कि सरकार को भी मनचाहे तरीके से कार्य करने के लिए, यानी कि मनचाहे तरीके से सरकार काम नहीं कर सकती है। संविधान इस चीज के लिए भी ध्यान रखता है, संविधान इस चीज के लिए भी बाध्य करता है सरकार को कि वह सिर्फ जनता के हित के ही कार्यों को करे, किसी ऐसे कार्य को ना करे जिससे कि जनता के या जो देश के लोग हैं, जनता, देश की जनता है, उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचे या देश की जनता को किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचे। तो संविधान का एक काम ये भी है कि जो सरकार है, सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई उनको सीमित करने का कार्य भी संविधान करता है। संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं सरकार को, तो उनको वो अपने दायरे में रहते हुए ही सरकार काम मिले। ऐसा नहीं है कि सरकार का निर्माण कर दिया तो सरकार ही अपने आप को सब कुछ समझने लग गई, जनता के लिए ऊट पटांग नियमों को बनाने लग गई, जनता के लिए उल्टे सीधे नियम बना दिए ताकि जनता का किसी हर प्रकार से नैतिक शोषण हो रहा है या आर्थिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है। तो सरकार के द्वारा या सरकार को बाध्य करने के लिए, सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए, सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए भी संविधान का निर्माण किया जाता है। और साथ में इस बात पर भी ध्यान संविधान रखता है कि सरकार जिसका निर्माण की संविधान के अकॉर्डिंग हुआ है, संविधान के अनुसार हुआ है, वो किसी भी ऐसे प्रकार के कार्य को ना करे जो कि जनता के हित में ना हो। डिफाइंस द प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। साथ में ही संविधान का काम ये भी रहता है कि सर किसी भी देश के भीतर उस राज्य की जनता को के ऊपर या उस राज्य की जनता के ऊपर अच्छी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए किस प्रकार से सरकार का निर्माण किया जाए। क्योंकि किसी भी देश के भीतर जो लोग निवास कर रहे हैं उनके लिए बेहतर प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सरकार की आवश्यकता होगी। तो सरकार का निर्माण कैसे किया जाए, तो इसका निर्माण यानी कि सरकार के निर्माण की प्रक्रिया जो है पूरी की पूरी, उसका वर्णन भी कौन करता है, संविधान करता है। आगे बात कही जाती है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। साथ में ही संविधान इस चीज का भी वर्णन करता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग संविधान में वर्णित यानी कि संविधान के अंदर वर्णित जो संस्थाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, सरकार है या विधानमंडल है, विधान परिषद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इन सभी को भी शक्ति देने का जो कार्य करती है वो शक्ति देने का जो कार्य करता है वो भी संविधान ही करता है। यानी कि संविधान में वर्णित जितनी भी संस्थाएं हैं उनको सभी को शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं, तो वो संविधान से प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इंटरेस्टेड टू मेक द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उसके बाद में क्या कहा गया है, संविधान निर्माण सभा जो थी या संविधान निर्मातृ सभा जिसे कहा गया था, तो संविधान निर्मातृ सभा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे क्या करें, भारत के संविधान का निर्माण करें। और आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान का निर्माता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मार्गदर्शन में ही क्या किया गया, भारत के संविधान का निर्माण किया गया। और आगे कहा गया जाता है कि इट डिड सो इन अबाउट 2 years and 11 months and 18 days। और ये भारत के संविधान का पूरे का पूरा जो निर्माण का कार्य है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के भीतर पूरा हुआ। वापस याद रख लीजिएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के भीतर भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। द प्रीम्बल टू द कंस्टिट्यूशन कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच
दिस सॉरी ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल्ट। अब देखिए क्या कहा जाता है, प्रैम्बल। प्रैम्बल से मतलब रहता है प्रस्तावना टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के देश के, यानी कि भारतीय संविधान की जो पूरी की पूरी प्रस्तावना है, कंटेंस द फिलोसफी, उसके भीतर यह विचारधारा मौजूद है या यह विचार उपस्थित है, लिखा हुआ है, बताया गया है कि ऑन विच, जिस पर कि द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल्ट, यानी कि समस्त जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया है। यानी कि कहा गया है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत के संविधान की रचना किस कारण से की गई है, किसके लिए की गई है और क्या उद्देश्य था इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना करने का, इस सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना। आगे कहा जाता है द सैलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। अब भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, पहली है फेडरलिज्म यानी संघवाद। संघवाद का मतलब हम सभी जानते हैं कि भारत जो है कई केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त है, कई राज्यों के भीतर विभक्त है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारत नाम का जो देश है उसमें सभी राज्यों को सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके भारत को पूरा एक संघ का नाम दिया जाता है, तो इसलिए भारत को एक संघ का दर्जा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे संघवाद की प्रथा जो है वो प्रचलित है। दूसरा कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रशासन की संसदात्मक व्यवस्था है। आप सभी को पता है भारत के लिए जो संसद मतलब जितने भी नियम कानून वगैरह बनते हैं वो सभी के उन सभी नियमों के लिए संसद उत्तरदायी है। यदि संविधान के भीतर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए भी संसद उत्तरदायी है। संसद के द्वारा जब ये बात कह दी जाएगी, संसद के द्वारा जब इस बात को पारित कर दिया जाएगा कि हाँ भाई संविधान में संशोधन होना चाहिए, तब ही संविधान के भीतर संशोधन हो पाना संभव है, वरना किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन यानी कि भारत के भीतर जो प्रशासन की संसदात्मक व्यवस्था मौजूद है। अब ध्यान में रखना है संसद के भीतर कौन से तीन अंग बताए गए थे, तो भारत के संसद के भीतर तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में इस पद का वर्णन किया गया है, और जो राष्ट्रपति है वो देश का पहला नागरिक होता है, देश का मुखिया रहता है, और साथ में हमें ध्यान रखना है कि इस देश के भीतर जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर संभव नहीं है। राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं दे देगा तब तक किसी भी कार्य का पूरा हो पाना संभव है नहीं है। अब ये बात ध्यान रखनी है, लोकसभा जो है उसे हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसे हम फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं, इसे हम लोकसभा भी कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे कही गई है सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर शक्तियों का अलगाव किया गया है, शक्तियों को अलग अलग प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में इस चीज का साफ साफ वर्णन किया गया है कि वैसे तो भारत के अंदर भारत को पूरा संघ का नाम दिया जाता है, भारत को संघ के नाम से जानते हैं, पूरे राष्ट्र के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की अच्छे तरह से प्रशासन की व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न राज्यों और स्थानीय स्वशासन तक की जो अलग अलग संस्थानों का निर्माण करके पूरी शक्ति को विकेंद्रित किया गया, शक्ति को अलग अलग प्रदान किया गया अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। तो कहने का मतलब है पहले बड़ी संस्था, फिर छोटी संस्था, फिर उससे छोटी संस्था, इस तरीके से करके पूरे शक्ति को विकेंद्रित किया गया है, लेकिन जो फाइनल फैसला लेने का अधिकार है वो भारत की केंद्र सरकार को है। अगली बात कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में सात मौलिक अधिकारों का वर्णन था। इन मौलिक अधिकारों का मतलब है कि ये एक ऐसे अधिकार थे कि जिनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता था किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, और यदि कोई इनका उल्लंघन करता था तो उसके लिए सजा का प्रावधान था जो कि न्यायपालिका के माध्यम से दी जाती थी। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है मौलिक कर्तव्य। अधिकार कर्तव्य का मतलब मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो सात प्रदान किए गए थे हमारे संविधान में, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग सातवें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, जिसे कि संपत्ति का अधिकार कहा गया, और संपत्ति का जो अधिकार था उसे एक कानूनी अधिकार बताया गया, ना कि एक मौलिक अधिकार। तो ये कह करके उस अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में सिर्फ 6 ही अधिकार मौजूद है। इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य है, जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी हमारे मौजूद है। वास्तविक संविधान के भीतर सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था, लेकिन
जो वर्तमान समय के अंदर मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 हो चुकी है। जब हमने आपको मूल कर्तव्य का वीडियो बताया था तो उसके भीतर इसका अच्छे से वर्णन किया था, सभी के बारे में आपको पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया था, तो देख लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप लोगों को ध्यान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये वो सभी नियम थे, ये वो सभी सिद्धांत थे जिनके आधार पर हर देश के संविधान के सिर पे एक ही मेन उद्देश्य रहता है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो उसी कारण से या उसी वजह से एक मतलब कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, तो वो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, कोई ऐसे नियम कानून सिद्धांत ना बने कि जिससे कि जनता का किसी प्रकार से कोई नुकसान हो, कोई अहित हो। तो इन सिद्धांतों की वजह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारत के भीतर जो विभिन्न देशों से कई व्यवस्थाएं ली गई थी, जैसे अभी आपको बताया गया था फंडामेंटल राइट्स है अमेरिका के संविधान से लिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपको रूस के सिद्धांत से लिए गए, और जैसे कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस लेसन को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे, आप अपने नोटबुक के भीतर इन सभी मोस्ट पॉइंटों को नोट डाउन करें और साथ में जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी आप हल करने का प्रयास करें। यदि नहीं आते हैं तो आप लाइव क्लास के भीतर संपर्क कर सकते हैं हमसे, हमें क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।